दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो कि सपने में अपने बचपन को देखता है। यहाँ पर एक आदमी उस पर अत्याचार कर रहा होता है। अगले सीन में हमें एना दिखाई देती है जिसको अब सिएटल में पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिल चुकी है। इस जॉब के बारे में क्रिश्चियन को भी पता होता है, इसलिए वो एना को विश करने के लिए एक बुके भेजता है। इसके बाद हमें एना का बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। इस जॉब को 18 महीने के अंदर 3 लड़कियां रिजाइन कर चुकी हैं, यानी एना अब चौथी लड़की है जो इस जॉब को करेगी। एक दिन एना अपने दोस्त की फोटो एग्जीबिशन में जाती है। यहाँ पहुंचते ही उसे चारों तरफ अपनी ही फोटो नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर उसका दोस्त बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताता तो तुम शायद यहाँ पे नहीं आती। तभी एक लेडी यहाँ आती है और बताती है कि एना की सारी तस्वीरें किसी ने खरीद ली हैं। ये सुनकर एना का दोस्त बहुत खुश होता है और एना भी मुस्कुराने लगती है। थोड़ी ही देर में हमें क्रिश्चियन एना के पास आता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर एना समझ जाती है कि ये तस्वीरें जरूर क्रिश्चियन ने ही खरीदी होंगी। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई भी देखे। क्रिश्चियन एना को डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन पहले तो एना उसे मना कर देती है, लेकिन फिर क्रिश्चियन की जिद करने पर एना राजी हो जाती है और दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, पर एना मना कर देती है कि मैं तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकती। इस पर क्रिश्चियन राजी हो जाता है और कहता है कि हमारे बीच में कोई भी शर्त नहीं होगी, कोई भी सीक्रेट भी नहीं रहेगा, और जैसा तुम कहोगी एना वैसा ही होगा। इसके बाद एना क्रिश्चियन की बात मान लेती है और फिर क्रिश्चियन एना को उसके घर ड्रॉप कर देता है। यहाँ हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी काफी देर तक एना के घर को घूर कर देखती रहती है। अगले दिन जब एना क्रिश्चियन से मिलने बार में जाती है तो रास्ते में इसे वही लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये लड़की एना का नाम लेती है। इस पर एना कहती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या तुम मुझे जानती हो? और तभी यहाँ पे जैक आ जाता है और एना के साथ बार में चला जाता है। थोड़ी देर में क्रिश्चियन भी यहाँ आ जाता है और जैक से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और एना को लेकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में एना क्रिश्चियन से कहती है कि वो मेरे बॉस हैं, तुम्हें उनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्रिश्चियन बोलता है कि वो मुझसे मेरी चीज छीनना चाहते हैं। एना कहती कि ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करते हैं और फिर एना के घर जाते हैं। एना क्रिश्चियन को अपने पास आने के लिए उकसाती है और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। सुबह एना क्रिश्चियन को $24,000 का चेक देती है जो उसे क्रिश्चियन ने रखने के लिए दिया था, लेकिन क्रिश्चियन इसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे तुम ही रख लो। लेकिन एना इसे फाड़ देती है और कहती है कि मैं इस चेक को क्यों रखूं। इसके बाद क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट को कॉल करके एना के अकाउंट में $24,000 ट्रांसफर करवा देता है। एना हैरान होती है कि आखिर उसे अकाउंट डिटेल्स कैसे मालूम पड़ी। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ क्रिश्चियन एना से कहता है कि मेरे घर पर एक चैरिटी पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। एना के पास ड्रेस नहीं होती, इसलिए क्रिश्चियन उससे कहता है कि ये सब इंतजाम मैं कर दूंगा। पर तभी एना को वो लड़की दिखाई देती है। इसे देखकर एना क्रिश्चियन से कहती है कि ये लड़की मुझे मेरे ऑफिस के बाहर मिली थी, ये मेरा नाम जानती है, इसके हाथ पर पट्टी बंधी है। ये सुनते ही क्रिश्चियन एना को लेकर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन इस लड़की के बारे में जरूर कुछ जानता है, इसलिए एना क्रिश्चियन से उस लड़की के बारे में पूछती है। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि हम दोनों के बीच 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए। और जब हम दोनों एक साथ जॉर्जिया में थे तो वो यहाँ आई थी और उसने अपनी कलाई भी काट ली, और एक दिन कार एक्सीडेंट में इसकी पति की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल पागल हो गई। इस लड़की का नाम लीला विलियम है। एना को यह भी पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है उसे भी क्रिश्चियन ने खरीद लिया है। इस पर एना कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या बॉस? मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने पास आने ही नहीं देते। इस पर क्रिश्चियन एना को अपने बेडरूम में ले जाता है और लिपस्टिक से अपनी बॉडी पर मार्क कर उसे बताता है कि तुम इस पार्ट को नहीं छू सकती हो। यहीं से ये दोनों चैरिटी पार्टी में जाते हैं जहां सामान की बोली लगती है ताकि जो पैसे आए हैं उसे चैरिटी में डोनेट किया जा सके। जब क्रिश्चियन के घर के एक हफ्ते की बोली लगती है तो एना $24,000 की बोली लगाती है। एना क्रिश्चियन के पैसे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करती है। अगले सीन में हमें एना बाथरूम में दिखाई देती है जहां एलेना नाम की एक लेडी भी होती है। ये वही लेडी थी जिसने क्रिश्चियन को BDSM टॉय का इस्तेमाल करना सिखाया था और पहली बार क्रिश्चियन ने इसी औरत के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। एलेना कहती है कि मुझे लगता है कि तुम क्रिश्चियन की शर्तें और उसकी बात मानोगी, इसलिए अपनी खुशी और क्रिश्चियन की खुशी के लिए उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। इस पर एना कहती है कि तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझती और यहाँ से चली जाती है। एना क्रिश्चियन को घर जाने के लिए कहती है। जब क्रिश्चियन एलेना को देखता है तो सब समझ जाता है कि एलेना ने ही एना से कुछ कहा है। अगले सीन में जैक एना को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे असिस्टेंट की जरूरत थी, लेकिन क्रिश्चियन उसे जाने से मना कर देता है। उसके बाद एना क्रिश्चियन के घर जाती है जहां ये दोनों फिजिकल होते हैं। क्रिश्चियन BDSM टॉय का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार एना की मर्जी से ही सब कुछ होता है।
एना क्रिश्चियन को बताती है कि मुझे जैक के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। इस पर क्रिश्चियन बोलता है कि तुम जैक के साथ नहीं जाओगी, बल्कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, क्योंकि क्रिश्चियन जैक को बहुत अच्छे से जानता था कि वो कैसा है। अगले दिन जब एना जैक को न्यूयॉर्क जाने के लिए मना करती है तो जैक गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये दोनों ऑफिस में अकेले थे, लेकिन जैसे तैसे एना यहाँ से भाग जाती है, पर तभी रास्ते में उसे क्रिश्चियन मिलता है, जिसे वो बताती है कि जैक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। ये सुनकर क्रिश्चियन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए चल देता है, लेकिन एना उसे रोक देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक को नौकरी से हटा दिया गया है और उसकी जगह एना ने ले ली है। एना को लगता है कि शायद क्रिश्चियन ने ही ये सब किया है, और जब वो क्रिश्चियन से इस बारे में पूछती है तो क्रिश्चियन उसे कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि खुद तुमने किया है, और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इस पर एना कहती है कि मुझे तुम पर है लेकिन अपने आप पर नहीं है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि तुम मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाओ। इस पर एना भी राजी हो जाती है। अगले दिन जब एना ऑफिस से अपना सब कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो उसे कैबिन में पीछे वही लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। इस लड़की का नाम लीला था। लीला कहती है कि क्रिश्चियन तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे साथ रातें गुजारता है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, वह हमारे पास क्यों नहीं आता। वो ये कहकर एना की तरफ बंदूक तान देती है। एना उसे समझाने के लिए कहती है कि एक दिन वो मुझे भी तुम लोगों की तरह ही छोड़ देगा, मुझ में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन लीला हवा में शूट कर देती है और यहाँ क्रिश्चियन भी आ जाता है और अपनी तरफ बंदूक करवा लेता है और बड़े ही प्यार से लीला को अपनी बातों में लेकर उसे बैठने के लिए बोल देता है। लीला को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो क्रिश्चियन की कठपुतली है, और तभी क्रिश्चियन एना को यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। एना ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है और गुस्से में घर ना जाकर कहीं और चली जाती है। क्रिश्चियन एना के लिए बहुत परेशान होता है और फिर एना 3 घंटे बाद घर वापस आती है। यहाँ क्रिश्चियन कहता है कि मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना परेशान था, तुम घर क्यों नहीं आए। इस पर एना कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे ऐसे शौक क्यों है। क्रिश्चियन कहता है कि हाँ, मुझे लड़कियों को दर्द देना अच्छा लगता है जो तुम्हारे जैसी दिखती है। एना कहती है कि मेरे जैसी या फिर तुम्हारी माँ जैसी। इस पर क्रिश्चियन हाँ कर देता है। जब एना यहाँ से जा रही होती है तो क्रिश्चियन ठीक उसके सामने वैसे ही बैठ जाता है जिसे लीला क्रिश्चियन के सामने बैठी थी। ये देखकर एना टूट जाती है और उसके पास बैठ जाती है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा, और ये कहकर वो एना का हाथ अपने दिल पर रख लेता है। क्रिश्चियन ने पहली बार एना को अपना हार्ट टच करने दिया था। क्रिश्चियन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर एना भी राजी हो जाती है और फिर से दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन एना के सामने शादी का प्रपोजल रखता है और कहता है कि मैं दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। इस पर एना कहती है कि तुम इतने भी अलग नहीं हो, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं कहती। अगले सीन में एना को क्रिश्चियन के बर्थडे का पता चलता है, इसलिए वो क्रिश्चियन को पहले से ही गिफ्ट दे देती है क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना था, और फिर क्रिश्चियन अपनी बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। और जब क्रिश्चियन वापस घर आता है तो वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर को खुद ही चलाता है। इसी बीच उनके हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर टीवी पर भी दिखाई जाती है। क्रिश्चियन के घर वाले और एना ये खबर सुनकर बहुत घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर के बाद ये न्यूज सामने आती है कि क्रिश्चियन और उसके असिस्टेंट दोनों सही सलामत हैं, और फिर क्रिश्चियन खुद घर आ जाता है। एना उसे देखकर गले लगा लेती है और खूब रोती है। इसके बाद ये सब मिलकर डिनर करते हैं। क्रिश्चियन की फैमिली के जाने के बाद एना क्रिश्चियन से कहती है कि क्या तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखा। इस पर क्रिश्चियन मना कर देता है और जब गिफ्ट खोलता है तो उसमें यस लिखा होता है, यानी एना ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। ये देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन की बर्थडे पार्टी में एलेना और उसका पूरा परिवार शामिल होता है। इसी पार्टी में क्रिश्चियन एना से शादी का अनाउंसमेंट भी करता है। ये सुनकर एलेना, जिसके साथ क्रिश्चियन का फिजिकल रिलेशन था, वो उदास हो जाती है। और जब एलेना एना को अकेले देखती है तो उसके पास चली जाती है और कहती है कि तुम क्रिश्चियन से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती हो, क्रिश्चियन शादी के लायक नहीं है। ये सुनकर एना को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास होता है वो उसे एलेना के ऊपर फेंक देती है। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और एलेना कहती है कि एना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन एना ने मुझे संभाला और मैं इसी से शादी करूंगा। इस पर एलेना कहती है कि क्या इसके बाद भी तुम किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाओगे। और तभी यहाँ क्रिश्चियन की मॉम आ जाती है, जो कि एलेना की दोस्त थी, और उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे यहाँ से भगा देती है। और फिर हमें क्रिश्चियन और एलेना साथ दिखाई देते हैं। क्रिश्चियन घुटनों के बल बैठकर एलेना से पूछता है, विल यू मैरी मी। इस पर एना खुश होकर हाँ कर देती है और दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें एना का बॉस जैक दिखाई देता है, जो कि इस रिश्ते से बहुत ज्यादा जेलस था, और इसे देखकर लगता है जैसे जैक इनसे बदला जरूर लेगा, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जैक एना और क्रिश्चियन से अपना बदला लेगा? कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करें।
संगम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।